पीछे लिखा है ना, नई ज्ञानी न सदृशम पवित्र मेह विद्यते तत् स्वयं रूप संसिद्धि काली आत्मा। अरे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं, उस ज्ञान को कोई छू नहीं सकता, अपवित्र वस्तु। आपका मन भी उस ज्ञान को छू नहीं सकता जो आपके मन में बैठ करके साक्षी हो करके सबको प्रकाश रहा है, उसको कोई प्रकाश नहीं कर सकता, उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जो ज्ञान इतना पवित्र हो जाता है हृदय, इतना मन, तो हर समय प्रसन्न चित्तता रहती है उसके हृदय में, फिर संसार गायब हो जाता है। वही कह रहे हैं, यहाँ भी कविम पुराण मनुषा सितारम यदक्षरम वेद वेदो वदंत, इस प्रकार प्रतिपादन किए हुए पर ब्रह्म की प्राप्ति का पूर्वोक्त रूप से उपायभूत जो ओंकार है, उसकी कालांतर में मुक्ति रूप फल देने वाली वही उपासना योग धारणा सहित कहनी है। योग धारणा सहित ओंकार की उपासना कहनी है, किस प्रकार से हम उसकी उपासना करें, तथा उसके प्रसंग और अनुप्रसंग में आने वाली बातें भी कहनी है। वर्तमान में जो प्रसंग चल रहा है उसकी भी बात कहनी है, और आगे आने वाली अनुप्रसंग में भी कहनी है। सारी बातों को हम बताएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सारी स्थिति को बताऊंगा तेरे लिए। अब तक ज्ञान का निरूपण किया, भक्ति का निरूपण किया, अब उस योग का निरूपण करूंगा। जिस ओम को लेकर के जो साधना की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, मंत्र जाप के द्वारा, उसको बताऊंगा। इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। सर्व द्वाराण संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्णा ध्यायात मनः प्राणमासितो योग धारणा। समस्त द्वारों का अर्थात विषयों की उपलब्धि के द्वार रूप जो समस्त इंद्रिय गोलक हैं। अब इंद्रिय गोलक, ये गोलक आपको दिखाई देते हैं, नेत्र दिखाई देते हैं ना, पर ये नेत्र इंद्रिय नहीं है, नेत्रों के अंदर इंद्रिय रहती है। श्रोत्र गोलक हैं, श्रोत्र के अंदर इंद्रिय रहती है, ये नासिका इंद्रिय है ना, पर इंद्रिय ये नहीं है, ये तो गोलक है नासिका, इसके अंदर इंद्रिय रहती है। जीव है ना, जीव इंद्रिय है, तो जीव के अंतर्गत इंद्रिय है जो रस को बताती है, खट्टा चरपरा बताती है। रसना में अग्रभाग पर एक सुई की नोक से भी अति सूक्ष्म एक छिद्र